चलिए अभी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या हो जाए आपका, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, परफोरेशन में छेद होना, कहाँ पर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये परफोरेशन, सॉरी परफोरेटेड ईयर ड्रम और पंक्चर्ड ईयर ड्रम इज ए रप्चर और परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम विच कैन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ओटाइटिस मीडिया एंड ट्रोमा द ईयर विद द शार्प इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोशन नॉइस और सर्जरी। ठीक है, इसमें जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि परफोरेशन हो रहा है, किसके कारण से, कि जो ईयर ड्रम है रप्चर होने की वजह से या परफोरेशन होल होने की वजह से क्या होता है, जैसे ओटाइटिस ईयर का इन्फेक्शन हो या फिर ट्रोमेटिक कंडीशन हो या फिर, ठीक है, कभी ट्रोमेटिक कंडीशन कैसे हो सकती है, जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो ईयर वैक्स को वगैरह शार्प इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम वहाँ पर ईयर ड्रम के अंदर होल होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर जो एक्सप्लोजर कोई बम ब्लास्ट हो जिस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये कारण हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है नॉइस, कोई नॉइस हो, ठीक है, बहुत हैवी नॉइस हो, साउंड होता है, डीजे बजते हैं, ऐसी कंडीशन में ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। या कोई सर्जरी हुई हो ईयर की तो उसकी वजह से रप्चर हो जाता है, ठीक है ना, या फिर आपका कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है, उसकी वजह से रप्चर हो गया हो, तो हम ये क्या कहलाएगा आपका, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। मतलब कह सकते हैं कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये वाली है आपकी, ठीक है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है और इसमें ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रप्चरिंग हो जाना और एक होल हो जाना, दैट इज कॉल्ड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को हम दूसरा नाम क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम, परफोरेशन या ईयर ड्रम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट और हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कुछ डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है, इस डायग्राम में ईयर ड्रम के डायग्राम है, ठीक है, इसमें देखिए ये का आपका पूरा क्या है, ईयर ड्रम है, क्या है, ईयर ड्रम है, ठीक है ना, क्या है, ईयर ड्रम। इसमें आपका ये कौन से लेटरल प्रोसेस मेलस जो बोन होती है उसका ये लेटरस पार्ट होता है, ठीक है ना, ये ईयर ड्रम का पार्ट होता है। इसका इसमें जो क्या होता है, एंटीरियर मेलर फोल्ड होता है, ये कौन सा है, एंटीरियर मेलर फोल्ड, ये क्या है, पार्स फ्लैसिडा, ये क्या है, इसका पार्स फ्लैसिडा है, ये पोस्टीरियर मेलर फोल्ड है, ये एक एंटीरियर मेलर फोल्ड, एक पोस्टीरियर मेलर फोल्ड, ये लॉन्ग लिम्ब इंकस, ये क्या है, लॉन्ग लिम्ब इंकस है, ठीक है, एक कॉन ऑफ लाइट है, ठीक है, ये क्या है, यूम्बो है, ठीक है ना, इसके अलावा ये क्या है आपका, हैंड ऑफ मेलस बोन का, एंड ऑफ एलस बोन का, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है, ये आपका एंड पूरा हो गया, ये राइट साइड साइड से हम लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसमें ये पार्ट होते हैं, हम इसके हिसाब से इसके टाइप्स भी समझने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, चलिए, हाँ ठीक,
चलिए ठीक है ना। तो चलिए इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में जानते हैं, किन किन कारणों से ये हो सकती है। एटियोलॉजी फैक्टर में आपका जैसे इन्फेक्शन हो, मिड ईयर में क्या हो गया हो, इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से क्या होता है, ईयर ड्रम डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो उसकी वजह से ये क्या हो सकता है कि ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है, ठीक है। दूसरा है डायरेक्टली इंजरी, कोई इंजरी हो पंच करने की वजह से, जैसे हमने बताया आपको कि ईयर ड्रम में कोई कई लकड़ी या कुछ नुकीली चीज़ें डाले तो उसकी वजह से क्या होता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सडन लाउड एक्सपोजन, क्या हुआ कि डीजे वगैरह चल रहा है तो उसकी साउंड की वजह से क्या हो सकता है, वो ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है, ठीक है। बैरेट्रोमा, बैरेट्रोमा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, पहले नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर चेंज होने की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ द ईयर, जब हम कान ईयर को साफ कर रहे होते हैं तो उस समय भी ईयर ड्रम को रप्चर होने के चांसेस बढ़ सकता है, या फिर कोई ऐसी सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से ईयर ड्रम रप्चर हो गया हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि ईयर ड्रम रप्चर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, पेन होता है, इसकी वजह से क्या होगा, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, ठीक है ना। और पेशेंट को क्या होगा, हियरिंग चेंज हो जाएगी, उसको लॉस हो सकती है या चेंज भी हो सकती है, क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकती है, मतलब उसको कम सुनाई दे सकता है, लैक ऑफ हियरिंग हो सकता है, ठीक है, लैक ऑफ हियरिंग, ठीक है, हियरिंग हो सकता है, कम मात्रा में सुनाई दे सकता है, और ऐसा महसूस हो सकता है फुलनेस, पूरी तरह से फुल ईयर हो सकता है, महसूस होगा कि फुल भरा हुआ है ईयर, पूरी तरह से कुछ भरा हुआ है इसके अंदर, ईयर के अंदर कुछ भरा हुआ है, इस तरह से महसूस इसके अंदर होगा। और हो देखिए टिनिटस की साउंड भी आ सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको जो इंटरनल ईयर है उसमें क्या है, जो लिम्फ रोड की डिस्टर्बेंस के कारण से रिंगिंग साउंड आती है, तो उस और तो उसकी वजह से रिंगिंग साउंड आ सकती है, ठीक है। ब्लड ट्रिगर क्या हो सकता है कि मैंने आपको कल कल के लेक्चर में ये भी बताया था कि क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ये रप्चर होने की वजह से ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है, और जब वहाँ पर धीरे धीरे करके वहाँ पर अगर होल हो गया है तो हो सकता है पस भी बनना हो, इन्फेक्शन की पस में, ओटाइटिस मीडिया का किसके कारण, ओटाइटिस मीडिया के पस के कारण से भी पर्स भी बन सकती है, और पेशेंट को इस कारण से वर्टिगो भी हो सकता है, ठीक है, वर्टिगो भी होगा, क्लियर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईयर ड्रम परफोरेशन, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, टाइप्स ऑफ ईयर ड्रम परफोरेशन, ठीक है ना। देखिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ठीक है, तो आपको जब ये बताना चाहूँगा कि टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है ना। ठीक, इस पर आपको ये जैसे ये बात बात कर रहे हैं, इसमें देखिए एक तो आपका क्या होता है, पार्स सॉरी पार्स प्लेसिड पार्ट होता है, एक होता है आपका पार्स टेंसा, जो दो पार्ट होती हैं आपके, एक ये वाला एक अपर, ये आपका पार्ट कहलाएगा आपका, कौन सा, एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है ना, ये कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, और ये कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक तो होता है सेंट्रल पार्ट, कौन सा टाइप में आता है, टाइप में आप बात करें, ठीक है, टाइप के अंदर, ठीक है, एक इसमें क्या होगा, एक तो सेंट्रल, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ठीक है ना, सॉरी आपको बताओ सेंट्रल नहीं, पहले एक तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर, और एक आएगा आपका इसके अंदर, पास्ट टेंसा के अंदर, ठीक है। हम लोग अब इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको इस, ठीक है, पहले बताते हैं पास्ट
टेंसा, ठीक है, और दूसरा है आपका प्लेसिड, पार्स प्लेसिड, ठीक है, पार्स प्लेट। ये जो पार टेंसा है इसकी बात कर रहे हैं, पार टेंसा है, ये क्या है आपका, इसमें दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो सेंट्रल वाला, कौन सा सेंट्रल वाला, और दूसरा कौन सा हो सकता है आपका मार्जिनल, मार्जिनल, ठीक है, दूसरा कौन सा हो सकता है मार्जिनल कंडीशन, ठीक है ना। अब जैसे आपकी, अभी हम कौन से बात कर रहे हैं, पार टेंसा की बात कर रहे हैं, पार टेंसा में कौन कौन से होता है, ठीक है, ठीक है, पार टेंसा में। अब सेंट्रल के अंदर देखिए, सेंट्रल पार्ट आपका ये है, सेंट्रल पार्ट आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेंट्रल पार्ट को क्या है, डिवाइडेशन किया गया है, सेंट्रल पार्ट को क्या किया गया है, ठीक है ना, ये आपका देखो, हम बात कर रहे थे अभी आपको कौन सा, पार्स टेंसा, पीटी कह लेते हैं इसको, पीटी, पार्स टेंसा, पार्स टेंसा को क्या किया हमने, दो भागों में बांट दिया, एक तो सेंट्रल, ठीक है, और दूसरा हमने किसमें बांट दिया, मार्जिनल, मार्जिनल, ठीक है। अब जो सेंट्रल वाला है उसको हम और भागों में बांटा गया है, डिवाइडेशन किया गया है, इसे कहते हैं एंटीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर, ठीक है, इन्फीरियर, इन्फीरियर, और चौथा है आपका सब टोटल, सब टोटल। देखिए अब एंटीरियर, एंटीरियर इसका पार्ट कौन सा है, ये वाला, मतलब आपका जो होल होगा वो इस पार्ट पे जाके होगा, किस पे होगा, इस पार्ट पे होल होगा, यहाँ पर ये साइड अफेक्टेड होगी एंटीरियर में, पोस्टीरियर में ये साइड अफेक्टेड होगी आपकी, ठीक है ना, और इन्फीरियर में आपका नीचे की साइड में ये वाला, ठीक है ना, इन्फीरियर में ये नीचे वाला पार्ट अफेक्टेड होगा, ठीक है ना, आपका सब टोटल में इसमें पूरा पार्ट आ जाएगा, सब टोटल के अंदर पूरा ये पार्ट आ जाएगा, क्लियर। मतलब कह सकते हैं टू हैंड, टू टू द हैंडल, जो हैंडल है उसकी ओर, कौन सा, एंटीरियर वाला, टू द हैंडल, कहाँ पर, टू द हैंडल, हैंडल, ठीक है, और इन्फीरियर क्या है आपका, टू द हैंडल ऑफ साइड, टू द हैंडल ऑफ साइड, मतलब दूसरी साइड में, और तीसरा क्या होगा, टू द हैंडल, ठीक है, मीडियल साइज, टू द हैंडल मीडियल साइज, मतलब नीचे की ओर, ठीक, और सब टोटल में क्या होगा, एक लार्ज परपोरेशन, वो पूरा आपका ये इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल में क्या होता है, पूरी तरह से ये साइड है आपकी, ये वाले मार्जिनल पार्ट है, इनकस लुम्बो है, ठीक है, ये साइड आपकी अफेक्टेड, मार्जिनल पार्ट अफेक्टेड होगा, क्लियर, मार्जिनल के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका पार्स टेंसा, पार्स टेंसा में क्या होता है, ये जो वाला पार्ट है, सॉरी पार्स फ्लैसिड, नेक्स्ट है आपका पार्स फ्लैसिड, ठीक है, फ्लैसिड है, पे पार्स फ्लैसिड, इसको में क्या होता है, ये दोनों आपका एंटीरियरली पोस्टीरियरली दोनों अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर मेलस फोल्ड है और इंटीरियर मेलस फोल्ड है, दोनों ही इसमें अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको टाइप को डिवाइडेशन किया गया है, क्लियर, आपके समझ में आ गया हो, ठीक है। इसको दो भाग, एक सेंट्रल एक मार्जिनल, आपको एक तो, ठीक है ना, कौन सा, पार्स प्लेसिड, दूसरा कौन सा है, पार्स टेंस वाला, पार्स टेंस में क्या है, सेंट्रल मार्जिनल, ठीक है ना, और आपके जो पार्स है वो टैक्टिक परपोरेशन और टोटल परपोरेशन होता है, टैक्टिक परपोरेशन और टोटल परपोरेशन, कौन कौन से टाइप आते हैं, एक तो एक्टिक, एक्टिक परपोरेशन, और दूसरा होता है टोटल परपोरेशन, टोटल हो जाना, टोटल परपोरेशन, ठीक है, परपोरेशन, ये आपके टाइप्स होते हैं, क्लियर। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं, ठीक है ना,
इसमें भी एंटीरियर एंटीरियर पोस्ट सॉरी एंटीरियर और पोस्टीरियर हो सकता है, ठीक है, ये भी एंटीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर इस तरह से होता है, या फिर सब टोटल, सब टोटल इस तरह से रहता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट और स्लाइड देते हैं, टाइप्स आपके समझ में आ गया होंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैंने आपको बताया था मार्जिन वाला ये ड्रम, ठीक है, इसमें क्या होता है परफोरेशन, मार्जिन पार्ट में क्या होता है ये ड्रम कैनाल के साथ में ये परफोरेशन, सेंट्रल वाला आपको बताया था, एक होता है टैक्टिक वाला, ठीक है। मैंने भी आपका क्या है मार्जिनल और सेंट्रल को का थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया था इसके अंदर, ठीक है। एक होता है टैक्टिक, ठीक है, परफोरेशन जो आपका किस में आता है, आपका फ्लैसिड में आता है, क्लियर। नेक्स्ट इसके हम डायग्नोस्टिक रिलेशन की बात करें, क्या क्या डायग्नोस्टिक रिलेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि किस कारण से उसको ट्रॉमा की कंडीशन की वजह से तो नहीं हुआ, कोई सर्जरी तो नहीं हुई उसकी, ठीक है ना, या फिर कोई ईयर के अंदर कोई इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कोई यूज़ तो नहीं किया क्लिनिक में, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, कोई उसके अंदर कोई कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, इस पता लगाएं। ऑक्टोस्कोप से एग्जामिनेशन करके हम उसको क्या करेंगे, ये ड्रम को देखने की कोशिश करेंगे, टिम्पेनोमेट्री करेंगे, टिम्पेनोमेट्री को क्या नॉइज प्रेशर नोट करेंगे कि उसका प्रेशर कितना है, उस ईयर का जो प्रेशर है वो कितना है। इसके अलावा ऑडियोमेट्री करेंगे कि हियरिंग टेस्ट करेंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी हियरिंग है उसका हम पता लगाएंगे। तो हम ये टेस्ट करके देखेंगे कि पेशेंट का क्या कंडीशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, अगर छोटा मोटा है तो नीड नहीं है, वो अपने आप ही हील हो जाता है, ठीक है। अगर छोटा मोटा है तो वो अपने आप ही हील हो जाता है, अगर छोटा सा टर्न है तो वो क्या करेगा 6 to 8 वीक में विदिन में अपने आप ही ये ड्रम यूजली हील हो जाता है, ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको ड्राई रखना पड़ेगा और क्लीन रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या करेंगे, कॉटन अप्लाई करेंगे, क्लीन कॉटन अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है ना। वो जब हम शॉवरिंग या वॉशिंग कर रहे हैं, कपड़े नहा रहे हैं धो रहे हैं, तब स्विमिंग के दौरान भी क्या करना है, हमें उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपने आप हील लगभग खुल जाता है। नेक्स्ट, अगर इन्फेक्शन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे, इससे क्या इन्फेक्शन, अगर दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ओटेलजिया के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स दे देंगे, ठीक है ना। अगर ईयर में परफोरेशन है फॉरेन बॉडी की वजह से है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे उसको निकालने की, अगर जाल निकालने को उसके अंदर की तरफ ला गया तो क्या होगा, ईयर ड्रम और रप्चर होने के चांस बढ़ जाए। तो इसलिए अपनी आप से ट्राई ना करें, सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेके ही काम करें। नेक्स्ट, ठीक है। चलिए सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें कि इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हील नहीं होता है तो उस टर्न होता है उस कंडीशन में हम करेंगे, उसके कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि उसको टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे, सर्जिकल करेक्शन के द्वारा उसको क्या करेंगे, हम लोग ये ड्रम को बनाने का काम करवाएंगे, डॉक्टर करेंगे मेरिंगोप्लास्टी। इसमें क्या होगा, जो परफोरेशन हो रहा है उसको परफोरेशन छेद को क्लोज करना, दैट इज मेरिंगोप्लास्टी कहलाती है। उसको जैसे छेद है, छोटा सा छेद हो गया, उसको हम प्लास्टिक करके इसको क्या करें, रिपेयर कर देना, दैट इज मेरिंगोप्लास्टी। ऑसिकोप्लास्टी, अगर जो ऑसिकल्स बोन है उनको रिकवर करना द्वारा से करना, तो उसको ऑसिकोप्लास्टी कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे टिम्पेनोप्लास्टी एक प्रोसीजर है, इसमें क्या करते हैं माइक्रो सर्जरी प्रोसीजर होता है, इसमें क्या करते हैं पेशेंट को टिश्यू को ऑटोलोगस ग्राफ्टिंग की जाती है और रिकस्ट करके उसको हम लोग क्या करते हैं मेम्ब्रेन उस पर चिपका देते हैं, मतलब वहाँ से कहीं से लेके आपको ऑटोलोगस ग्राफ्ट की जाती है और उस वहाँ पर स्किन को उस तरह से रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक है। ग्राफ्ट में क्या होता है, डिफरेंट एरिया से जैसे टेम्पोरल एसिड है वहाँ से हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कहाँ पर टेम्पोरल फ्लेसिया है वहाँ से हम लेकर इसको कर सकते हैं।
ऑलोडर्म ग्राफ्ट में हम क्या करते हैं, सिंथेसिस मटेरियल लेते हैं, और सिंथेसिस मटेरियल में हम लोग क्या करेंगे, तो उसको यूज करके मल्टीपल प्रीवियस सर्जरी है उसको भी ध्यान रखते हुए उसको रिपेयर कर देंगे। क्लियर। चलिए होमोग्राफ्ट में क्या करेंगे कि जब ये ज़्यादातर होमोग्राफ सक्सेस नहीं होता तो हम इसको जीनोग्राफ्ट ये सक्सेस नहीं होता क्योंकि ये क्या होता है किसी उस पर मैच नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, ये टिम्पनोप्लास्टी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से यहां से ग्राफ्टिंग की जाती है। इसको ग्राफ्ट इस तरह से अगर होल हो रहा है तो इसको यहां से क्या करेंगे, रिपेयर करने का काम करेंगे। क्लियर। ठीक है, आपका ये इस तरह से ग्राफ्ट टिश्यू यहां से लिया जा सकता है। जैसे आप ग्राफ्ट टिश्यू यहां से लिया और यहां पर रिपेयर कर दिया गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट, इसमें क्या होता है, रिपेयरिंग टिम्पेनो मेम्ब्रेन को एलोन किया जाता है। रिपेयरिंग क्या होता है, मेनिंगोप्लास्टी भी बोला जाता है इसको। इन्वॉल्व द रिपेयर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एलोन ओनली, क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड टाइप से, इन्वॉल्व द रिपेयर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मिडिल ईयर स्पाइट टू स्लाइट डिफेक्ट ऑफ द ऑसिकल। अगर ऑसिकल्स भी साथ में है तो उसको रिपेयरिंग करना क्या कहलाएगा, ये ठीक है ना, टिम्पेनोप्लास्टी। थर्ड टाइप में क्या करते हैं, इसमें ऑसिकल को रिमूव करके, ठीक है, और लार्ज डिफेक्ट को मेलस को उसको रिमूव करके और रिपेयर करके डायरेक्ट कनेक्ट करना, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेपीज। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑसिकल्स में से क्या करते हैं, जो डिफेक्ट मेलस है और इंकस है उसको करते हैं डायरेक्ट, क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं स्टेपीज के साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयर वेन द स्टेप फुट प्लेट एंड मूवमेंट बट द लिगामेंट मिसिंग। अगर रिपेयर करने के बाद में फुट प्लेट है उसके मूवमेंट नहीं कर पा, लिगामेंट मिसिंग है, तो उसको रिपेयर किया जाता है। रिपेयर द फिक्स स्टेपीज एंड फुट प्लेट, और क्या करते हैं, फुट प्लेट को रिपेयर करके उसमें करते हैं। तो फोर्थ टाइप की इस तरह से किया जाता है, उसकी कंडीशन के अनुसार हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इससे सर्जरी से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है, फेशियल नर्व प्लेसी हो सकती है, टिनिटस हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट या लॉक जॉब हो सकता है, कोई नर्व्स यहाँ से सप्लाई करती हैं तो उनमें इंजरी हो सकती है, ठीक है, डिजीनेस हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, और पार्शियल टोटल हियरिंग लॉस भी होने के चांसेस हो सकते हैं इस सर्जरी के दौरान। क्लियर। चलिए चलिए अब हमें इसमें एक्टिविटी क्या क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वॉकिंग इन नॉर्मल एक्टिविटी दैट स्टार्ट स्ट्रेचिंग, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी करनी चाहिए, कीप ईयर ड्राई, ईयर को ड्राई रखना चाहिए, कवर विद टेकिंग बाथ एंड शोवर, मतलब ईयर में कॉटन वगैरह ला के उसको यूज करके कोटेड करके उसको तब हम लोग यूज करें। अब साथ में हम वैसलीन भी लगाना चाहिए जिससे लुब्रिकेंट बना रहे। नो लिफ्टिंग करनी चाहिए, इससे क्या होगा कि लिफ्टिंग करने से पोस्ट ऑपरेट वीक में क्या हो सकता है, वो आपके ईयर पर प्रेशर पड़ सकता है। सीज विद द योर माउथ, अगर छींकना भी है तो माउथ खोल के सीने जिससे प्रेशर ना पड़े, ठीक है ना। एयर जब ट्रेवलिंग करें या आपको एयर में कहीं पर भी करें तो उसमें देखना चाहिए, टू फर्स्ट डूबिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन क्या करना है हमें, सब अगर रप्चर हो गई है तो इसको प्रिवेंट, इसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट रखना है हमारा, ऐसी कंडीशन क्या करना है, इन्फेक्शन को करना है, ठीक है। फ्लाइंग के लिए जब हो तो साइनसाइटिस हो, ऐसी रेस्पिरेटरी तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर साइनसाइटिस इन्फेक्शन हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है तो उस क्रम में हमें कितनी फ्लाइंग के लिए अवॉइड करनी चाहिए। ड्यूरिंग फ्लाइंग में क्या करना चाहिए, जैसे आपको नोज शेडो या फिंगरसिस प्रेशर है उसको पिंच करके, नोज को पिंच करते हुए एयर को फ्रिक्वेंसी हेल्प के सप्लाई प्रेशर को महसूस करना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सभी को शेयर करें, मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना।
यहाँ पर दूंगा, जब ये यूनिट खत्म हो जाएगा इसके मैं एमसीक्यूज जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यूज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, उन एमसीक्यूज को मैं लास्ट में कराऊंगा। पर लेकिन आपको पर डे क्लास लेनी है, आप यहाँ ऑनलाइन आना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन नहीं आएंगे कोई भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मैसेज करके यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके आप अपने बता सकते हैं, सर ये चीज़ मैं आपको उस चीज़ को दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सब लोग इसको इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, जिससे सभी को ये वीडियो मिल सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।